सोलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक आपका है, मतलब आप एयरटेल पेमेंट बैंक को यूज करते हैं, आपका भी उसमें अकाउंट है, तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा बैड अपडेट है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको बैड न्यूज भी आप बोल सकते हो। बैड अपडेट ये है फ्रेंड्स कि पहले ऐसा कुछ भी नियम लागू नहीं था एयरटेल पेमेंट बैंक के ऊपर, बट अब क्या हुआ है कि अगर आप वहाँ अपने एयरटेल पेमेंट बैंक में जिस तरीके से हम HDFC, ICICI में या SBI में वहाँ पे जो मंथली एवरेज बैलेंस होता है उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है, उस तरीके से अब एयरटेल पेमेंट बैंक में भी आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा। अगर आप वहाँ मेंटेन नहीं करते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो इनएक्टिव हो जाएगा, यानी ब्लॉक भी हो सकता है। हो सकता नहीं है, सोच लीजिए कि 100% हो ही जाएगा, क्योंकि जब नियम लागू हो गया है तो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। और वहाँ साफ लिखा हुआ है भी कि आपका जो अगर आप अपने अकाउंट को अनब्लॉक करना चाहते हैं तो आपको मंथली एवरेज इतना मेंटेन करना होगा। मंथली एवरेज कितना मेंटेन करना है ये सारा कुछ आज इस वीडियो में डिटेल्स में कवर करेंगे, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अकील और टेक फॉर इंडिया चैनल में हमेशा की तरह आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन के होम स्क्रीन पर आ जाना है, और यहाँ पे आने के बाद आपको अपने डिवाइस के अंदर एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। अगर आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर पर आपको देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल कर लेने के बाद आप जैसे फ्रेंड्स ओपन करेंगे इस एप्लीकेशन को, तो इसका जो यूजर इंटरफेस है कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको ऊपर में जो वॉलेट का जो आइकन शो हो रहा है आप जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके एयरटेल पेमेंट बैंक यहाँ पे शो हो जाएगा, जिसका इसका डैशबोर्ड आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ एयरटेल पेमेंट बैंक और यहाँ पे सेविंग अकाउंट। एयरटेल पेमेंट बैंक बिल्कुल सेविंग अकाउंट है फ्रेंड्स, आपको डरने की कोई बात नहीं है, आप कहीं से भी इसमें मनी को ट्रांसफर या रिसीव कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं कि इसका जो अपडेट आया है वो क्या अपडेट है और इसको कितना मेंटेन करना है इस अकाउंट में बैलेंस को, ये सारा कुछ हम लोग जानने वाले हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है जिसमें लिखा हुआ है सेविंग अकाउंट। जैसे फ्रेंड्स आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस हो जाएंगे जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, बट आपको यहाँ पर देखना ना है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ माई डिटेल्स, अकाउंट सेटिंग और थर्ड ऑप्शन है मंथली एवरेज बैलेंस, जिसके बारे में हम आज आपसे बात करने वाले हैं। तो आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है, पहले यहाँ पर ऑप्शन नहीं था फ्रेंड्स, अपडेट के बाद इसको ऐड कर दिया गया है। उसके बाद आप जैसे भी उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा मंथली एवरेज बैलेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं MAB, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं MAB, जिसका फुल फॉर्म होता है मंथली एवरेज बैलेंस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए साफ लिखा हुआ है करंट मंथली एवरेज बैलेंस। देखिए, मेरा जो अकाउंट में बैलेंस है वो मेरे मात्र 10 रुपीज़, यानी 10 रुपये बैलेंस है। और यहाँ पे देखिए आपको एक रेड कलर का डॉट शो हो रहा होगा और यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है योर प्रोग्रेस। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मेंटेन एवरेज बैलेंस और 500 एंड अनलॉक बेनिफिट्स ऑफ भरोसा सेविंग अकाउंट। फ्रेंड्स, अगर आप इसमें 500 मतलब मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो आप एयरटेल पेमेंट बैंक जो है उसका आप कोई भी बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब किसी भी तरह के वहाँ पर बेनिफिट्स मतलब जो भी ऑफर आएंगे वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, आपको उससे कुछ बेनिफिट्स नहीं होगा। अगर इस बैंक में आप अपना 500 जो है बैलेंस उसको मेंटेन करके रखेंगे तभी आप इस बैंक का लाभ ले पाएंगे। और यहाँ आप नीचे आएंगे फ्रेंड्स तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए ऐड मनी, आप इस पर क्लिक करके अपने बैलेंस को ऐड कर सकते हैं। बट मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं है, सिर्फ 10 रुपीज़ है, मैं अभी तुरंत ऐड करने वाला हूँ, आप भी ऐड कर लीजिएगा, नहीं तो आपका अकाउंट जो है वो इनएक्टिव हो सकता है। और आप नीचे आएंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर लिखा हुआ है भरोसा अकाउंट, और यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज भरोसा अकाउंट, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है भरोसा सेविंग अकाउंट एज स्पेशली डिजाइनड अकाउंट ऑन हेल्प यू अर्न योर सेविंग। और यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि यहाँ पर बेनिफिट्स के बारे में दिए गए हैं इस अकाउंट के बारे में। देखिए, पहला ऑप्शन है फ्री पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस वर्थ 5 लाख, अगर आप इसका इंश्योरेंस ले लेंगे तो आपको 5 लाख तक मतलब LIC जिस तरीके से होता है उस तरीके से आपको मिलेगा एक्सीडेंट के दौरान, किसी का ऐसा ना हो कि एक्सीडेंट हो, मैं ये नहीं चाह रहा हूँ, मतलब यहाँ पर जो लिखा हो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इंश्योरेंस लोगे तो आपको यहाँ पे बेनिफिट्स मिलेंगे 5 लाख का। उसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है इनक्लोजर रिचार्ज एंड DBT बेनिफिट्स। फ्रेंड्स, ये ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि आप एयरटेल पेमेंट बैंक को पहले DBT में लिंक नहीं कर पाते थे, मतलब यहाँ ऑप्शन नहीं था, बट अब इस अपडेट के बाद आप अपने एयरटेल पेमेंट बैंक को DBT में भी लिंक कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि DBT होता क्या है तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, DBT में वो बैंक अकाउंट लिंक किए जाते हैं जिस तरीके से जो भी सरकारी योजना का पैसा आएगा आपको डायरेक्ट इसी बैंक अकाउंट में आएगा। DBT में जो अकाउंट लिंक रहता है वही उसी में सरकारी योजना का किसी भी तरह का पैसा आता है, जैसे इंदिरा निवास हो गया, जो अभी शौचालय का जो पैसा जो आ रहा है वो पैसा हो गया, या किसी भी तरह का पेंशन का पैसा हो गया, सारा कुछ आपको DBT अकाउंट में जाते हैं अगर आप DBT अकाउंट में जो अकाउंट को लिंक करेंगे। तो फ्रेंड्स, एयरटेल पेमेंट बैंक को आप DBT में लिंक कर सकते हैं, यहाँ अपडेट कर दिया गया है, अब इसमें किसी भी तरह का सरकारी योजना का पैसा आप ले सकते हैं, पहले ये ऑप्शन नहीं था। एंड यहाँ पे और भी इसके कुछ टर्म एंड कंडीशन दिए गए फ्रेंड्स, आप इसको रीड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे रीड नहीं करूँगा, रीड करूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोगों को वीडियो शॉर्ट चाहिए क्योंकि आप लोग वीडियो पूरा कंप्लीट देखते नहीं है, तो इसलिए मैं इसको रीड नहीं करना चाहूँगा, आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। बट आपको मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये बताऊँगा फ्रेंड्स कि आपको जो ऐड बनी है इस पर आप क्लिक करके अगर आप अपने एयरटेल पेमेंट बैंक को जिंदा रखना चाहते हैं तो आपको 500 यहाँ पर मेंटेन करना होगा, नहीं तो आपका जो अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए ब्लड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।